यकीन नहीं आता, ये वही किशन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ढूंढ ली है अक्षर की पहचान। अक्षर असली चीज है, इसमें है संसार। hey! चीजों में से झांकता अक्षर का सब चीजों में छिपा है अक्षर, आओ करे पहचान। शुरुआत से अंत तक सबका एक निशान है। इसमें अक्षर उसमें अक्षर अपने हैं सब साथी अक्षर। आओ खेलें खेल हमारा, नाम है जिसका अक्षर मेला। जय साक्षरता। अक्षर के इस मेले में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बात जानते होंगे, जरूर जानते होंगे आप लोग सब, तो कि हमारे इस भारत देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतने शब्द हैं, इतने अक्षर हैं, यहां का सबसे पहला पूरा साक्षर प्रदेश था केरल। तीन नदियों के संगम पर स्थित ये हरा भरा प्यारा सा प्रदेश। लेकिन एक बात बहुत अजीब है कि इधर से उधर जाने में साक्षरता निरक्षरता में बदल जाती है, क्योंकि कोई भाषा किसी के लिए अजनबी है तो कोई भाषा किसी और के लिए अजनबी। लेकिन एक भाषा है जो सब समझ सकते हैं, जो अमर है, और वो है मन की भाषा। कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। आइए मेरे साथ स्वागत कीजिए आज के मेहमानों का। हमारी तीनों टीमें आई हैं हिमाचल से। हमारी पहली टीम है शिमला जिला बी से, हमारी दूसरी टीम है सिरमौर जिला ए से, और हमारी तीसरी टीम है बिलासपुर जिला से। सबसे पहले हम जाके मिलते हैं इनकी टीम से, और आपके स्वयंसेवक का नाम है? मेरा नाम हेमलता शर्मा। अच्छा, मुझे बताइए हेमलता कि जब आपने शुरू किया था इनको पढ़ाना, तो आपने अपने अपने जिला में क्या मुसीबतों का सामना किया? शुरू में थोड़ा होता भी है, कुछ एक आई भी, कुछ एक थोड़ा बाद में जो नहीं आई। वो क्यों नहीं आई, घर पे क्या मुसीबत थी? हमारे मतलब जमीन का काम ही 12 महीने चला रहता है, और वो भी ऐसे कि देर से फसल कटती है, जैसे होगी तैयार होगी तो काम अपने जमीन के काम में ही। तो अब आती है, अब हाँ, आप आती है? हाँ, अब आती। चलिए बहुत अच्छे, हेमलता के साथ आए हैं शांति, और ये भी शांति, बहुत शांति है इस टीम में, और जोशी, और ये है अजमेरो, और ये है हमारी सिरमौर जिला ए की टीम, और इनके समसेवक का नाम है सुनीता। सुनीता, आपने बहुत गाना गाया, से गला बैठा हुआ है आपका सुनीता। सुनीता के साथ आए हैं मस्तो, और ये है सलीमुद्दीन, और ये है रमा, और ये है पिंकी, और ये है हमारी बिलासपुर जिला की टीम, और इनकी स्वयं सेवक का नाम है द्रौपदी सहगल। द्रौपदी, और इनके साथ आई हैं विद्या और कमला, और ये है निर्मला, और ये है रामेश्वरी। चलिए अब हमें आपकी मुलाकात करा दी अपनी तीनों टीमों से, अब हमें जाके खेलना है अपना पहला खेल। अक्षर का ज्ञान तो आपको मिल गया, आप लोग सब नौ साक्षर हैं, अब इन अक्षरों के साथ हमें बहुत सारे खेल खेलने हैं आपके साथ, ठीक है? पहला हम खेल जो खेलेंगे उसका नाम है खोजबीन। हमारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो खो जाती हैं, कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं। आज आपको जो खोजना है वो है शब्द। एक जना शब्दों को पहचानेगा, दूसरा जना यहाँ पर शब्दों को लिखेगा। सबसे पहले हम आपकी टीम के पास आते हैं, आप मुझे बताइए हेमलता कि आपकी टीम से कौन पहचानेगा कौन लिखेगा? ये अजमेरो जी पहचानेंगी और ये शांति लिखेंगी। शांति आप लिखेंगी, चलिए आप ना जाइए और सूची खोलिए, आप मेरे साथ आइए। आप मुझे बताइए अजमेरो जी, आपने क्या सोच के पढ़ाई शुरू की इस उम्र में? हम वोट डालने जाते थे, गुट्ठा लगाते थे। अच्छा। हमें बोलते थे सैन करो, हमें शर्म आती थी। वहाँ बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, क्योंकि गुट्ठा लगाने में कितनी वो और जब आपने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी तो सबसे पहली चीज आपने क्या की? सबसे पहले जी हमें अपना नाम लिखा। अपना नाम लिखा आपने, अच्छा। चलिए आपको पहचानने हैं यहाँ
सब्जियों के नाम। अच्छा, और आपकी जाली है ये। आपका समय शुरू होता है अब। आलू। जोर से बोलिए आलू। आलू। आप मदद कर सकते हैं इनकी पीछे से, दिख रही है? भिंडी। 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 अब दिखाई दे रहा है? खीरा। खीरा। एक और है, चलिए चलिए, एक सब्जी पूरी हो जाएगी तो आपका खाना तैयार। खाल। चलिए एक सब्जी बची है। भिंडी। गोभी। कहाँ है, दिखाइए मुझे गोभी, मैं भी पढ़ लूं। चलिए चलिए, आपका समय निकला जा रहा है। एक और है, आई पीछे आवाज, आप सुनिए क्या बोला। नहीं, कटहल। कटहल। कटहल, बिल्कुल सही है। आप भी बता के बैठ जाइए। चलिए, आलू, भिंडी, कटहल, खीरा। खीरा लिखे 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 लिखे। एक जीरो। बस 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 बस। अब यहाँ देखिए, आलू सही है, भिंडी सही है, भिंडी में मात्रा नहीं लगाई इन्होंने, लेकिन फिर भी हम इन्हें दे देंगे। बाकी दो नहीं है, चार वहां सही, दो यहाँ सही, इनके हो गए 4 और 2, 50, 60 अंक। और आप मुझे बताइए शांति, आप बचपन में स्कूल क्यों नहीं गई? माँ बाप ने पढ़ाया नहीं। तो फिर आपकी शादी हुई तब आपने सोचा कि आपको पढ़ना चाहिए? हाँ जी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं काम करती हूँ फैक्ट्री में, और उसमें जैसे लेबर लुबर लगाते हैं तो उसमें रेट रूट लगाना होता है, तो और लोग वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए मैंने पढ़ाई शुरू कर। और अब सहूलियत होती है आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। अब आप मुझे बताइए सुनीता कि आपकी टीम से कौन जाएगा पहचानने, कौन जाएगा लिखने? रमा जाएगी खोजबीन कर, और पिंकी जाएगी लिखने। आपको यहाँ खोजने हैं नदियों के नाम, ठीक है? ध्यान से अपनी जाली देखो, और ये रही आपकी जाली। आपका समय शुरू हो गया अब। चलिए। ब्यास। जोर से। ब्यास। ब्यास। सतलुज। सतलुज भी बोल दिया इसने। जनाब। देखो देखो, चेनाब। हाँ, चेनाब। पीछे से आवाज आ रही, ऐसे मत बोल दो, सोच के बोलो। चलिए एक और है, एक और है। नहीं, वो उन्हें उन्हें बोल रहे हैं। आप देखो, एक और आपकी नदी बचती है, आपकी तीन नदियां हो गई, एक और है। देखो देखो, सतलुज। सतलुज आपने कह दिया, सतलुज हो गया। वो उधर कह रहे हैं, आप घबराओ मत, आप उनकी आवाज मत सुनो। आप यहाँ देखो, इस तरफ ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, कौन सा अक्षर हो सकता है? कौन सा अक्षर हो सकता है, सोचो। हाँ, उससे पहले देखो। चलो बस 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 बस, चलो रमा आप जाके बैठो, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। अच्छा, ब्यास सही है, चनाब सही है, एक ही मात्रा नहीं है, लेकिन हम इतना दे देंगे, मात्रा के लिए इनके नंबर नहीं काटेंगे। और सतलुज सही है, और उधर भी इधर भी पब्बर रह गई थी, पब्बर नदी रह गई थी, तो तीन यहाँ तीन वहां, इनके हो गए 60 अंक। आप मुझे बताओ, आप कब से पढ़ रहे हो? 1992। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ाई नहीं की थी? नहीं। क्यों? क्योंकि हम घर से गरीब थे, हम माँ बाप अनपढ़ थे, और मुझे 6 भाई बहन थे, हमको उनको खिलाना पड़ता था, स्कूल नहीं। आप घर की देखभाल करती थी? हाँ जी। हाँ, चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए, पिंकी के लिए। और अब हम द्रौपदी जी से पूछेंगे कि यहाँ जाएगा कौन पहचानने और कौन जाएगा लिखने। निर्मला लिखने जाएगी और रामेश्वर जी खोजने जाएंगे। आपको ढूंढने हैं यहाँ पालतू जानवर के नाम, आप वहां देखिए। अच्छा, आपकी है ये जाली और आपका समय शुरू होता है अब। आराम से देखिएगा और पहचानिए पालतू जानवरों के नाम। बकरी जी। बकरी बोली इन्होंने। ऊंट जी। ऊंट। ऊंट बोला। बाघ जी। नहीं नहीं, जोर से बोलिए। बाघ जी। कहाँ लिखा है बाघ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
फिर से देखिए, चार हैं यहाँ। क्या क्या बोला आपने? बकरी। चलिए आप दोनों इनकी मदद यहाँ कीजिएगा। ऊंट बोला, बकरी बोली, एक और बोला था आपने, बोलिए गाय बोली इन्होंने, और एक और है, एक और है, जल्दी जल्दी देखिए, देखिए इधर देखिए, ऊपर से गाय हो गई, आप ऊपर से नीचे देखिए जल्दी से, वो भैंस, इन्होंने भैंस बोल दी। चलिए आप जाके बैठिए, आप जाके बैठिए, बस बस बस, यहाँ बस बस बस, ये क्या लिख दिया? चलिए ये ऊंट हम इनको दे देंगे, बाकी आपने नहीं लिखे, तो वहां चार सही, यहाँ एक सही, इनके हो गए 50 अंक। चलिए चलिए जल्दी जाके बैठ जाइए। चलिए हमारा पहला खेल खत्म हो गया, जिसका नाम था खोजबीन। अब जो बीन के इन्होंने अंक लिए हैं अपने, वो देख लेते हैं। शिमला जिला के 60 अंक, सिरमौर जिला के 60 अंक, बिलासपुर जिला के 50 अंक। अब हम अपना अगला खेल खेलेंगे, जिसका नाम है बही खाता। आपको अपना हिसाब किताब करना है, तो चल के खेलते हैं बही खाता। पहले हम आपके पास आते हैं हेमलता, और आपकी टीम में जो गणित में मजबूत है ना, उसको भेजिए आप बोर्ड पर। ये शांति जी, ये वाली शांति, पहले ये शांति गई, अब ये शांति जाएंगी। आइए शांति जी, आप आइए और यहाँ पर खोल दीजिए, और वहाँ गणित के सवाल होंगे, आप उनका हल कीजिए। आप यहाँ से तीन साथियों की मदद कर सकते हैं, लेकिन आप जो सवाल उनसे लेंगी सोच समझ के लिखेगा। पूरा खोल दीजिए खिड़की। चलिए, और आपका वक्त शुरू होता है अब। 37 जमा 18 बने। आप लोग यहाँ से मदद कर सकती हैं उनकी। पांच। आपको पूरा पूरा बोलना पड़ेगा, अलग अलग अंक ना बोलें। 55। इन्होंने कहा 55। चलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी, इतना समय नहीं है। 44 घटा 17 बने, 19 गुणा 4 बने, और आखिरी है 96 भाग 12 बने। चलिए चलिए, बस 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 बस, क्या हुआ, थोड़ा घबरा गई हाँ, कोई बात नहीं। आइए देखिए, आपका पहला 55 है, बिल्कुल सही है, बाकी तीन आपने नहीं करे, आपको समय नहीं मिला। बाकी के जवाब हैं, ये है 27, और तीसरा है 76, और चौथा है 8। आपको इसके मिलते हैं सिर्फ 10 अंक। और अब हम चलते हैं ये टीम के पास, और यहाँ पूछते हैं कि यहाँ कौन आएगा गणित के सवाल हल करने। मस्त दीदी, और ये इनकी खिड़की खुल गई, और इनका समय अब शुरू हो गया। 31 जमा 7 बने, 38, 42 घटा 3 बने, चलिए तीन, पूरा अंक अलग अलग ना अंक बोलें। 5 गुणा 5 बने, 25, और 84 भाग 6 बने, 84 भाग 6 बने, दो दो, आठ, 84 भाग 6 बने, बस 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 बस, आपका समय खत्म हो गया। चलिए ये है 38 सही है, ये 39 भी सही है, और 25 सही है, इसका जवाब था 14, इसलिए आपको जो आप ढूंढ रही थी अंक वो नहीं मिला। आपको मिलते हैं इसके 30 अंक। अब हम जाएंगे इस टीम के पास, और यहाँ पूछेंगे द्रौपदी से कि कौन जाएगा गणित के सवाल हल कर। कमला दीदी जाएंगी। कमला दीदी आप जाएंगी, अच्छा आप मुझे कुछ बताइए अपने बारे में, आपने पढ़ना लिखना कब शुरू किया? यही कोई 2-2.5 साल पहले। क्यों? जानदो की तरह हम आंखें दी हुई, अकल दी हुई, भगवान ने अच्छी शक्ल दी हुई, हाथ पाँव दिए हुए, अंधे की उपाय की तरह है एक अनपढ़ आदमी। अच्छा, आपको लगता है कि एक अनपढ़ आदमी अपाहिज की तरह होता था, अब आपको नहीं लगता ऐसे? नहीं। चलिए आप आइए, बहुत अच्छे, आपकी हासिल की मदद कर सकते हैं। अच्छा आराम से कमला जी, अच्छा घबराइएगा मत, पूरी खिड़की खोल दीजिए और आप शुरू हो जाइए, पूरी खिड़की खोल दीजिए, आपको आसानी होगी, और आपका समय शुरू हो गया अब। 17 जमा 13 बने, 47 घटा 3 बने, 45, 4 और 5, 47 घटा 3 बने, और 18 गुणा 5 बने, 90, और 44 भाग 2 बने, 2 और 2,
अंकल अलग अलग ना बोले, पूरा बोलिए। दो और दो भाई। अच्छा चलिए, इनका समय तो काफी बचा है और इन्होंने अपने चारों हल कर दिए। अब देखते हैं, ये 30 सही है, ये गलत है, ये 44 होना चाहिए था, इधर 5 के बजाय 4 होना चाहिए था, और ये है 90 और ये है 22। इनको 30 अंक मिलते हैं। बहुत अच्छे कमला जी, आइए आइए। चलिए हमारा बही खाता का खेल भी खत्म होता है, अब देखते हैं किसको कितने अंक मिले। शिमला जिला है 70 अंक पे, सिरमौर जिला है 90 अंक पे, और बिलासपुर जिला है 80 अंक पे। कहीं समय का एक तारा अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। तन नन ना, 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 तन नन ना। पढ़ लिख लिख पढ़ बन होशियार, समझ बढ़े तो पढ़े विचार। ज्ञान से ना धन दूजा, करती दुनिया ज्ञान की पूजा। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। ये कहीं समय का एक तारा, अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहीं समय का एक तारा। पढ़ने लिखने का तो मजा ही कुछ और है, पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब आप देख, हम देखते हैं कि आप अपने प्रदेश में और अपने देश की चीजें कितनी याद रखते हैं, कितनी ध्यान में रखते हैं। अब हम एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है देखी सुनी। हम सबसे पहले जाएंगे इस टीम के पास और इनसे करेंगे कुछ सवाल। आपका सवाल है कि हिमाचल शब्द का मतलब क्या है। आंचल। क्या बोला? बर्फ का आंचल। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बर्फ का आंचल, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ का आंचल। चलिए अब आपको एक तस्वीर देखनी है और इस चित्र को देखकर बताइए कि ये शिवरात्रि का त्योहार हिमाचल के लिए के किस जिले में मनाया जाता है। मंडी। क्या बोला? मंडी। बिल्कुल सही कहा, मंडी। आपके लिए एक सवाल है मेरे पास कि कुल्लू के पास उस जगह का नाम बताएं जो गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। कुल्लू के पास मणिकरण। बिल्कुल सही कहा, मणिकरण है। चलिए आपके लिए एक सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। वाईएस परमार। जोर से। वाईएस परमार। वाईएस परमार सही है। आपके लिए एक प्रश्न है कि ब्यास नदी पर बने बांध का नाम बताएं। ब्यास नदी पे जो बांध है उसका नाम बताएं। तुम्हें मालूम है रमा? सोचो। चलिए सोचिए सोचिए, कोशिश कर लीजिए। नहीं? अच्छा चलिए मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप मुझे बताइए कि ब्यास नदी पे कौन सा बांध है। पोंग बांध। पोंग बांध बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये सवाल आप लोगों के लिए है कि हिमाचल के किस जिले का नाम पहले कुलनथ पीता था। कुलनथ पीता। बोलिए। कुल्लू। कुल्लू बिल्कुल सही है। इतना घबराते नहीं है, बहुत सही जा रहा है आपका। चलिए हमारे देखी सुनी का खेल भी खत्म होता है। अब फिर से एक बार अंक देख लेते हैं। शिमला जिला है 90 अंक पर, सिरमौर जिला है 100 अंक पर, बिलासपुर जिला है 110 अंक पर। चलिए अब एक बहुत मजेदार खेल खेलेंगे हम आपके साथ, उसका नाम है बारा खड़ी। हम आपको एक शब्द देंगे, उस शब्द के जो अक्षर हैं, जो मात्राएं हैं, उनको तोड़कर जोड़कर मड़ोड़कर आप अलग अलग शब्द बनाइएगा। जितने शब्द आप बनाएंगे उतने अंक हम आपको देंगे। हम पहले आपके पास आते हैं और आप मुझे बताइए हेमलता कि आपके यहाँ कौन जाएगा बारा खड़ी खेलने। ये शांति जाएगी। ये वाली शांति जाएंगी। आप जाएंगे शांति? वहाँ कलम रखा है और आपके साथी आपकी मदद करेंगे, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखेगा। चलिए और आपका शब्द है बदनामी। आपका समय शुरू होता है अब। बदनाम
बदन। जोर से बोलिए। बदन। बदन, शाबाश। नाम। आप भी बोलो, चलो सोचो ना। उधर देखो, उधर देखो, उधर से। दान। दान। मेरो आप बोलो। बादाम। बादाम। आप ही बताएं, सीधा सीधा बोलो। बादाम मी मी। चलिए सोचिए सोचिए, चलिए जोशी सोचिए। दानी। उन अक्षरों को अलग अलग करके सोचिए। दानी। बादामी। कितनी बार बोलूंगी बादामी। बस 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 बस, समय खत्म हो गया। अच्छा, ये तो पूरा शब्द है। बदन सही, नाम सही, दाम सही, दान सही, ये कुछ नहीं होता। नामी सही, दानी सही, ये आपने वैसे एक ही मात्र थी भी नहीं, ये खत्म नहीं हुआ। एक दो तीन चार पांच छह, इनके छह सही हैं, 60 अंक हो गए इनके। आप इसे निकाल दीजिए, शांति उनसे नाम निकाल दीजिए, ठीक है। और आप मुझे यहाँ बताइए सुनीता कि कौन जाएगा यहाँ से बारह खड़ी खेल। सलीम भाई आप जाएंगे। चलिए ये कलम लीजिए और आप तैयार हो जाइए और सोच समझ के लिखिएगा बड़े बड़े अक्षरों में। और आपका शब्द है जानकारी। कर। नाक। जान। कार। नजर। अरे वाह, जानकारी वो तो पूरा शब्द है। चलो सोचो। काज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते चलते जाओ, चलते जाओ, दो बार हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं। चलो चलो। रीना। रीना। नार। बस बस, आपका समय खत्म हो गया। लाइए सलीम, मुझे दीजिए कलम और मुझे बताइए ये क्या है। जान, कारी, नारी, नर, कर, नाक, कार, नजर। जानकारी तो शब्द ही है, ये काज, ये जाना, ये रानी, ये रीना, ये नार। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 130 अंक। चलिए आप यहाँ से मुझे बताइए कि कौन जाएगा बारह खड़ी खेलने। कमला दीदी आप जाएंगी, आप तो बहुत तेज हैं इसमें। आइए ये लीजिए कलम और आप जाइए वहाँ और तैयार हो जाइए अपने शब्द पढ़ने। और बड़े बड़े अक्षरों में साफ सफाई से लिखिएगा। आपका अक्षर है विचारना और आपका समय शुरू होता है चार। चार। नार। विचार। नाच। 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 बर लिखो। बर। चरना लिखो। रचना। आप कोई भी बोल सकता है, जो बोलेगा मैं माइक उसके आगे रखूंगी। हिम्मत समझिए कि माइक आएगा तभी बोलना है। नाव। नाव दीदी। नाव। नव। ये कह रहे हैं नव। नव। सोच लीजिए, रन कह रहे हैं। रण। न है। देखिए देखिए। नाच लिखो। बस आपका समय खत्म हो गया। कमला लाइए कलम मुझे दीजिए और यहाँ खड़े होइए। अच्छा, ये चार है सही है, ये यहाँ मात्रा नहीं, विचार कुछ नहीं होता। ब नहीं है हमारे पास, बन नहीं हो सकता। चरण सही है, र ब नहीं, न ब, ब है ही नहीं। रन सही, नच नहीं होता। तो आपके हो गए एक दो और ये तीन हो गए आपके, आपके हो गए 30 अंक। आप इसको मिटा के आगे बैठ जाइए।
चलिए हमारा 12 खड़ी का खेल खत्म हुआ, अब देखते हैं किसको मिले कितने अंक और कौन आज जीता। हमारे बिलासपुर जिला की टीम है तीसरे स्थान पर 140 अंक लेकर, शिमला जिला की बी टीम है दूसरे स्थान पर 150 अंक लेकर, और आज सिरमौर जिला ए की टीम जीती है 230 अंक लेकर। आप आइए आइए मेरे पास खड़ी। चलिए आज का ये मेला तो खत्म हो गया, ये मेला तो चलता रहेगा अक्षरों के मेले की तरह, लेकिन किसी ना किसी दिन तो ये मेला उठ जाएगा। लेकिन जो मेला नहीं उठेगा वो है आपके अक्षरों का मेला। तो आइए और मेरे साथ गाइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ख ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ख ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ आ ई ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों।